24th ऑफ जून करीब 4-5 दिन से मैं व्लॉग बना ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि फालतू तो क्या ही चीज़ दिखाऊंगा और कोई चीज़ में इंटरेस्ट तो होगा नहीं। मगर आज है नेफ्रोलॉजी का क्लास, नया सब्जेक्ट क्लास शुरू होने वाला है, सो इसलिए मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ। और जो टीचर है इसके बारे में सब ने बोला है भाई बहुत खड़ूस है, और हमने एक्सपीरियंस भी किया था जब कार्डियोलॉजी की क्लास लगी थी। कार्डियोलॉजी में भी यही पढ़ाती थी हमें और नेफ्रो में भी यही पढ़ाएगी। 10 दिन की क्लास है, 24 तारीख से शुरू है, 4 तारीख को ख़त्म है, मगर टीचर अगर छुट्टी लेती तो एक्सटेंड करवा देती है। तो पता नहीं ये टीचर कैसी होगी और क्या से हमें ट्रीट करना होगा, क्योंकि मुझे इस टीचर से बहुत डर लगता है। ये टीचर लाइक उस रूम में कुछ भी हुआ तो बोलेगा तुम्हारे वजह से हुआ, उस रूम में अगर कुछ गिरा तो बोलेगा कौन गिराया, उसको परमानेंटली ब्लैकलिस्ट, उसको नंबर नहीं दूंगी। लाइक बहुत अनोइंग टीचर है, बहुत बहुत डरावनी है टीचर। थोड़ी सी ओल्ड एज की है मगर बहुत ज़्यादा डरावनी है वो टीचर। अभी तक जॉर्जिया में आकर अगर कोई टीचर से इतना डर लगा है तो वो है ये टीचर। 10 टाइम हो रहा है और आज हमारा खाना बन गया है। क्या मस्त बना था, सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी और रोटी, बस वो हो चुका। मगर आज थोड़ा ना बादल दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। क्लास जाना होगा तो इतनी गर्मी में बादल आने चाहिए, बहुत गर्मी रखी है, बहुत ज़्यादा का। क्लास जितना भी कर लो फिर भी डर लगता ही है, पहला क्लास है वो भी डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, इस टीचर का तो अलग से एक कॉप है। 1:18 टाइम हो रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, 2 बजे से क्लास है, पहुँच जाएंगे यहाँ से दीदू पे, दीदू से बस लेके 15-20 मिनट मतलब आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाना तो चाहिए। देखते हैं क्या रहता है सीन। $299 वस्तु मिल गई है एकदम फटाक से, और हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है। अभी जो 2:28 टाइम हो रहा है, 32 मिनट है, अभी भी पहुँच जाएंगे होप से। 15 मिनट में लगेगा, 15 मिनट में पहुँचेंगे, फिर वहाँ से 5 मिनट और पैदल जाना होता है, बस यहाँ पे उतरना है, उतर के फिर पैदल जाना पड़ेगा कॉलेज के लिए। देखो हम लोग हॉस्टल में आ चुके हैं, ये अंडरग्राउंड में है और सारे ऐसे सामान बाहर पड़ा हुआ है। रूम नंबर 12 इसी में जाना है, मगर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 2:02 मिनट टाइम भी हो चुका है, टीचर क्या बोल दे, इसलिए कोई नहीं जा रहा है। सब एक साथ आएंगे, मतलब पूरे बैच वाले सब एक साथ मिल के जाएंगे। 4:44 टाइम हो रहा है और अभी हमारे को घर आ रहे हैं, मगर क्लास शुरू ही हुआ 2:45 बजे, 2 बजे से क्लास शुरू होने वाला था और टीचर आज पता नहीं तीसरी क्लास ले रही थी हमारी, उसका टाइम टेबल का कोई शेड्यूल नहीं था। मगर क्या नींद आ रही थी क्लास में, उन्होंने पेशेंट दिखाया, पेशेंट का हमने देखा और USG देखने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। और उसके बाद अभी क्लास से अभी आ ही रहा था, इतनी धूप, मैंने राइट साइड से बस में धूप आ रही थी, मैंने राइट साइड ऐसे लग रहा है जल गया, पूरा फील हो रहा है। रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है, मेरे दोस्तों का कॉल आया इंडिया से, सब उससे बात कर रहा था। और अभी अभी जो टीचर का ख्वाब है, मैं बता रहा था आज तो कुछ हुआ नहीं, वैसे टीचर का ख्वाब ऐसा है कि लाइक सारे चैप्टर पढ़ लिया और साथ में सारे कुछ मतलब जितने भी चीज़ करना था वो सारे प्रैक्टिस कर लिया, कल सुबह उठ के फिर से पढ़ूंगा। अभी कुछ 11:25 मिनट टाइम हो रहा है तो मैं इनसे बात करते करते थोड़ी देर में सो जाऊँगा। छोटा सा ब्लॉग है मगर ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था कि लाइक टीचर से हम लोग कितना डरते हैं, बस वो टीचर से। तो अभी के लिए यही ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, कल देखता हूँ क्या होता है, और कल के लिए सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं मतलब जानना हो तो क्या क्या होने वाला है, ठीक है, चलो बाय। गुड मॉर्निंग, सो टुडे इज 25th ऑफ जून और 5 दिन रह के ये महीने भी ख़त्म हो जाएगा। सुबह के अभी 7:55 मिनट टाइम हो रहा है, सुबह उठा था 6:30 तक उठ गया था, उठ के वॉशरूम गया, पानी आ रहा था मगर इतना गंदा पानी, क्योंकि कल रात को फिर से पानी चलाया गया था। ये जो जॉर्जिया का एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कभी भी पानी चला जाता है, लाइक बंद हो जाता है पानी और आता ही नहीं है, फिर आता है तो 12 घंटे बाद आता है। कल रात को चला गया था और अभी आया है सुबह सुबह, 6-7 घंटे में मतलब आ गया रात वाला पानी, और पानी इतना पीला, इतना गंदा, फिर उसको मैं चला के छोड़ दिया। 1 घंटे तक मैं बस बाथरूम में ऐसे कर रहा हूँ, पानी छोड़ रहा हूँ, उसको पूरा बाथरूम भर जा रहा है, उसको निकाल रहा हूँ और पीला पीला हो गया बाथरूम का हर एक टाइल्स पीला हो गया, इतना गंदा पानी आ रहा था। अब जाके 1 घंटा पानी चलाने के बाद अभी साफ़ आ रहा है पानी, मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, मगर जो भी है प्रॉब्लम के साथ तो डील करना है, तो सबके मतलब
सबको ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम आएगी ज़िंदगी में, हर टाइम सुख नहीं आएगा। अगर दिन के बाद रात आता है तो दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, जो भी हो। तो अभी मतलब वो बताया 7:55 हो रहा है, तो पढ़ने के शुरू कर रहा हूँ। अगर चाय बनाने के लिए मैं गया तो अभी देखो चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो चाय पत्ती बैग में रखी हुई है। अगर अभी ये लोग उठे नहीं हैं तो ये लोग जब उठेंगे उसके बाद उनके बैग से निकाल के देंगे, क्योंकि मेरे पास चाय पत्ती खत्म हो गया, रुपये कलर खत्म हो गया, अभी अरवा का बचा हुआ है, बस यही चाय पत्ती है। उसके बाद फिर इंडिया जाके ये लोग आएंगे, ले आएंगे, मैं भी अगर मंगवा लूँगा चाय पत्ती, क्योंकि चाय पत्ती यहाँ पर बहुत महंगी मिलती है। 9:30 बजे फाइनली मुझे अपनी चाय मिल गई है, सब उठ चुके हैं फ्लैट में सब के सब, और चाय भी मिल चुके हैं। हो चुका है 1:21 टाइम हो रहा है, 2 बजे क्लास के लिए निकलेंगे। अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से पढ़े रहते, मैं और वो दोनों ही मिलकर पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। मगर जाने से पहले जो जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जैसे कि कल रात को जो क्वेश्चन लगाए थे, वही क्वेश्चन का अभी रिपीट एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। वैसे गर्मी बहुत है, जोर के वीडियो बनाने के लिए पंखा ऑफ रखा है, पंखा ऑन कर देता हूँ, बहुत गर्मी हो रखी है। अभी ना कहें फिर भी पसीना पसीना हो रहा है भाई साहब। क्लास जाता हूँ 2 बजे और क्लास से पहुँचते वैसे 6 बज जाती है, इतना लंबा क्लास चलता है। और अभी जगह इतना टायर्ड हो चुका हूँ, जाते ही सो जाऊँगा या फिर चेंज वेंज करके थोड़ा सा आराम करूँगा, उसके बाद ही पढ़ने बैठूँगा। कल के लिए तो बहुत सारा टॉपिक है, सीकेडी है, उसके साथ साथ जितने भी उसके साथ नेफ्रो के साथ लाइक हार्ट की डिजीज़ या फिर पल्मोनरी डिजीज़ सब मिला के आए। लोग पूछे कि वैसे अभी तो घर जाते एनर्जी पूरा डाउन हो जाएगा, देखते हैं घर जाने के बाद जो जो होगा शाम को पढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, 26th of June, चाय ब्रेड नाश्ता बिल्कुल रेडी है। सुबह उठ चुका हूँ, करीब 8:30 टाइम हो रहा है आज, इसलिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोया था मैं, बहुत लेट, क्योंकि पढ़ना था बहुत सारा टॉपिक, वो करते करते लेट हो गया, 3:30 बजे नींद आई है कुछ, और उसके बाद फिर वही 8 बजे उठ गया, तभी फ्रेश व्रेश होकर 8:30 टाइम हो रहा है। कोई नहीं, अभी का शुरुआत हो चुका है, दिन एकदम मस्त शुरू हुआ है। बाहर आज धूप नहीं है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, एक ठंडी ठंडी हल्की ठंडी ठंडी मौसम है। जब कंप्लेन करते रहता हूँ बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, वो चीज़ आज थोड़ी सी कम है। बाहर देखो धूप बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से जितना दिख रहा है। हमें तो आज आते ही बस भी मिल गया, और मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है आज। जो रोज़ धूप पर कंप्लेन करता हूँ, आज तो धूप भी नहीं है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, मज़ा ही आ रहा है। और क्लास के लिए भी हम लोग टाइम पर निकल गए, 2:25 अभी टाइम हो रहा है, 3 बजे से क्लास है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। क्लास बिल्कुल टाइम पे पहुँच चुका है, 2:42 अभी टाइम हो रहा है, 18 मिनट है, हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं क्लास में, अच्छा लगता है। 5:10 टाइम हो रहा है, और हम लोग क्लास के बाद अंजलि हमारे क्लासमेट वो लेके आई है एक नया रेस्टोरेंट, जो कि नया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। उसने बोला यहाँ पे डोसा पैलेस, डोसा पैलेस है, सारे साउथ इंडियन फूड मिलता है। ओके, अभी तो कोई भी नहीं है, पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। मेरा चिकन डोसा आ चुका है, और चिकन डोसा ये बहुत पतला लग रहा है, हाँ सांभर बहुत पतला लग रहा है, टेस्टी है ना। और ये जिसके लिए मैं फिदा हूँ, कोकोनट चटनी। वाह क्या मैच था, जॉर्जिया देखो पुर्तगाल को हरा के आ गए, और सारे लोग बाहर आ चुके हैं मैच के बाद, सब देखो चिल्ला रहे नो क्लास टुमारो। ओके देखो इनका खत्म ही नहीं हो रहा है, पिछले आधा घंटे से चले ही जा रहा है, लोग एकदम कहीं पे भी देखो ट्रैफिक जैम हो गया फालतू का। ये लोग जॉर्जिया जीत गए क्या, गए पुर्तगाल के साथ 2-1 से, कितना स्लो गाड़ी चला रहा है और ऊपर से हॉर्न बजा रहा है, कितना स्लो, अब लो सब वो भगा रहे, आय हाय हाय क्या रैली निकली है, मजा आ गया। सस्ता पेट्रोल है ना पेट्रोल इनके लिए सस्ता ही हुआ बहुत भाई, देखो वाला भी हाँ, वो भी
वो सब तो हुड खोल के चल रहे ऊपर का। अच्छा थर्ड क्वालिफिकेशन के लिए भी था। हाँ तो अभी छह ग्रुप्स में जो थर्ड पे आएंगे उन थर्ड वालों का अलग ग्रुप बनेगा, उनमें से टॉप चार टीम को जिसमें अंग्रेज क्रोएशिया निकल गया, शायद जॉर्जिया एक विन किया तो थर्ड पे है। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, कल ही क्लास ख़त्म हो जाएगी और आज का जो डेट है 5 तारीख है, 5 जुलाई 6 को ख़त्म हुई है। वैसे 4 जुलाई को ख़त्म होने वाली थी, मैम ने 2 दिन का ब्रेक लिया था तो इसलिए 2 दिन एक्सटेंड कर दिया। और ये व्लॉग सब कुछ एक साथ मिला के आएगा क्योंकि कल मेरा था पीपीटी इतना बढ़िया बनाया था, मोस्टली इसमें हेल्प किया था अरुबा ने, लाइक उसने 60% काम किया, मैंने 40% काम किया और बहुत ही अच्छा था। टीचर ने बोला कि बहुत ही अच्छा पीपीटी बना है, बिल्कुल कंटेंट जैसे होना चाहिए वैसा ही कंटेंट था। और अभी 1 बजे से क्लास है, 57 अभी टाइम हो रहा है, 12:57, 3 मिनट है अभी भी, पहुँच जाएंगे टाइम पे। बाकी तो कल जैसे एग्ज़ाम होगा पता नहीं कैसे होगा। और इस मैम का जो ख्वाफ है सबको कि क्लास में इतना क्वेश्चन पूछते, इतना लाइक क्रॉस क्वेश्चन पूछती है, उसके लिए तो छोड़ो। और आज मैं, मेरे को पता नहीं आज ऐसे डर लग सा लग रहा है कि आज मेरे से क्या पूछेगी। अभी तक तो सब कुछ सही गया है, और एक दिन बीपी मतलब एब्रीविएशन बोल दिया था, एब्रीविएशन बोलने पे बहुत गुस्सा हो जाती है। और आज का पता नहीं, आज लास्ट क्लास है, कल एग्ज़ाम है, सो आज भी बस सही सही निकल जाए। से तो वापस आ चुका था आने के बाद जो हुआ, लाइक मतलब क्लास में जो हुआ क्लास में, आज मेरे को ढक ढक हो रहा था कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा, टीचर शायद डांट देगी, वो कुछ नहीं हुआ। मतलब शानदारली जो 10 क्लास है, 10 क्लास अच्छे से मैंने परफॉर्म, तो ये नहीं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, लाइक उस उनसे डर डर के मैंने सारे क्लास अटेंड किया है। सारे क्लास में बस मेरे को डांट नहीं पड़ी, बाकी मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है और उसका कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कुछ भी चीज़ पर डांट देती है, सब ने थोड़ा बहुत सुना है, मैंने भी एक बार सुना है जो कि 2-3 दिन पहले कि मैंने बीपी बोल दिया था, ब्लड प्रेशर को बोलना था, तो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, और कल हमारी एग्ज़ाम है जो कि ना है 6 जुलाई, और 7 जुलाई का थाला फॉर द नो रीज़न लाइक धोनी का बर्थडे है, तो जो होगा ये बर्थडे वाले दिन पे ये व्लॉग आएगा। लाइक अब जब सुबह उठ के थाला को विश कर रहे हो तब ये मेरा व्लॉग आ रहा होगा। कल देखते हैं कैसा एग्ज़ाम जाता है, अभी पढ़ाई चल रही है तो इसमें मैं की पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, क्या क्या की पॉइंट्स है, जो जो पढ़ा है उस चीज़ का की पॉइंट्स लिख के फिर उसी चीज़ को ही लाइक बार बार दोहरा रहा हूँ कि कल कुछ भी आए क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन कैंसिल कर पाऊँ। ऑफ जुलाई सुबह सुबह उठते ही क्या ही बोलूँ कि रात को थोड़ा सा मतलब जल्दी सो गया था मैं 1-2 बजे, और फिर सुबह अभी 8 बज रहा है, 8 बजे उठते ही मैंने सारे कॉपी लेके जितने भी लिख रखा था सब कुछ रिविज़न देने लग गया हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम कैसा जाता है, होपफुली अच्छा ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने कर तो लिया है, पढ़ तो लिया है, वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, वो हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता है, मैम उसी टाइम चेक करके दे देगी। बस ये आ रहा है कि कुछ नया कुछ ना दे दे, जो पढ़ा है उसमें से देगा तो लिख ही लूँगा, अगर कुछ बिल्कुल नया आ गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार वही चीज़ को, जो चीज़ पढ़ा है बस उसी को पढ़ रहा हूँ, नया चीज़ कुछ पढ़ भी नहीं रहा, जितना पढ़ा है उसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अभी वो दिन आ चुका है जो कि ना इस क्लास का अंत होने वाला है, डरावना ये क्लास, और अभी जा रहे हैं क्लास में मतलब एग्ज़ाम देने, और अभी भी आधा घंटा बाकी है, हम लोग आधा घंटा पहले ही पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक रूम है कैंटीन, वहाँ पे एसी लगा हुआ है, वहाँ बैठ जाएंगे आधा घंटा और थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे, उसके बाद ये क्लास के अंत होगी। और इस मैम से फिर से मिलना होगा, जीजियाट्रिक्स वो अगले सेमेस्टर में होगा या उसके अगले सेमेस्टर में होगा पता नहीं, हम लोग अभी 10th सेमेस्टर में हैं तो अभी भी 2 सेमेस्टर हमें बाकी है। ये चीज़ याद रहेगी, इस मैम का खौफ। ठीक है, क्लास के बाद एग्ज़ाम के बाद मिलता हूँ। हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आप लोग सब वेट ही कर रहे होंगे कि कैसा गया मेरा टेस्ट। टेस्ट बहुत ही अच्छा था, लाइक मोर देन एक्सपेक्टेशन, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, लाइक मेरे 60 में से बन रहे थे 53, मैं सोचा कि 53 बन चुके हैं, 60 में पास है, कुछ करके बस नंबर आ जाए अच्छे से, और रिटेन में चाहिए 24 पास होने के लिए। गैस करो कितने आए हो, नहीं पता, मैं बता देता हूँ, आउट ऑफ 40-35 आए, और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी
क्योंकि पहले का जो कॉपी था वही देखे शायद वो चिड़ गई थी, और उसके बाद हमने सोचा कि बस नंबर दे दे और पास करा दे। ये था ये जो टीचर का ख्वाब, और इस ख्वाब में पढ़ाई करने का नतीजा बहुत ही अच्छा गया, लाइक बहुत ही अच्छा, जैसे सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा गया। तो अभी शाम के कुछ 7:20 टाइम हो रहा है, मैं आया था आके रेस्ट कर रहा था, और मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आया है तो वो देख रहा था, और आते ही बाहर देख रहा हूँ अभी सनसेट होने वाला है, मतलब 7:30 हुआ है तो सनसेट होने वाला है, कुछ ऐसा मौसम हो रहा था बाहर का। यही चीज़ मैं देख रहा था, देखते देखते सोचा क्योंकि ना वीडियो का इतना लंबा वीडियो बन चुका है, इसका एंड किया जाए, और इससे बढ़िया एंड क्या ही हो सकता है। वाह यार मस्त। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ थोड़ा सा लंबा वीडियो है, देखा होगा नहीं देखा होगा, और जो भी क्या होगा थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक सच्ची में देखा है, और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं देखा तो नहीं किया है तो। बाय बाय, चलिए।